हेलो गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो रहेगी रेलवे जेई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। आप सबको पता है कि रेलवे जेई का CBT 2 एग्जाम था, वो कनेक्ट करवाया जा चुका है। अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा सेकेंड स्टेज CBT का, वो कब आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो सेकेंड स्टेज CBT था, उसका आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। उसका स्कोर कार्ड आपका आउट हो चुका है। तो जल्दी ही आप अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए। आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है, उस जोन की ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मैं अलाहाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करती हूँ। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी ये RRB अलाहाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, तो इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, जो फर्स्ट लिंक दिया है, क्लिक हेयर टू व्यू योर सेकंड स्टेज CBT स्कोर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड स्टेटस अंडर CN03 2018। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 03-2018। तो ये आपका JEE का है। ठीक है, अगर आपको अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कार्ड, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपका जो स्टेटस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो यस है या नो है, मतलब आप शॉर्टलिस्ट है या फिर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ। ओपन करते ही अलाहाबाद की RRB ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन .in वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है। ठीक है, लिंक ओपन करते ही तो नीचे स्कोर कार्ड ऑफ सेकंड स्टेज CBT, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेकंड कार्ड जो CBT है, जिस भी आपने जोन से अप्लाई किया है उस जोन को जोन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, जैसे आप एंटर करेंगे फाइनली तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड आपका इसके अंदर दिया है द स्कोर कार्ड ऑफ सेकंड स्टेज CBT हैज़ बीन अपलोडेड, अपलोड हो चुका है। आगे है द क्वेश्चन पेपर व्यूइंग ऑब्जेक्शन रेजिंग एंड मॉडिफाइड क्विज व्यूइंग मॉडल ऑफ CBT 2 इज क्लोज्ड। जो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे, अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको व्यू कर सकते थे, मॉडिफाई करवा सकते थे, उसकी जो सेकेंड स्टेज CBT की डेट थी वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो वो अभी आप मॉडिफाई कुछ करवा नहीं सकते, लेकिन आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने बने हैं। अब सेकेंड जो इसमें एक नोटिस और किया है अलाहाबाद जोन से, तो उस नोटिस में भी हम देख लेते हैं साथ साथ कि उसमें लिखा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड नोटिस है, क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JEE DMS CMA एंड अंडर CN03 2018। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेकंड स्टेज एग्जाम क्लियर हुआ है और जो DV के लिए और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर की लिस्ट दी गई है। तो देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये नोटिस लिस्ट है, ये देखिए, ये आपका नोटिस दिया गया है, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप पढ़ लीजिए, या इन ये जो पॉइंट्स है इनकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। देखिए, ये रोल नंबर से है जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं DV के लिए और मेडिकल के लिए, तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, अलग अलग रीज़न दिया है, नॉर्थ रीजन से, NCR से, जिस भी रीजन से आपने अप्लाई किया था या सभी रीजन से आपने अप्लाई किया था, तो किस रीजन के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यहाँ से आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक हेल्प और चाहिए आप लोगों से, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, जो भी स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स आए हैं, वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि उससे ये पता चले कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो फाइनल जो मेन लिस्ट होगी उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।